आज महिलाएं विकास के हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। शिक्षा और सूचना तकनीक के क्षेत्र में तो इनकी भूमिका बहुत ही बढ़ गई है। महिलाओं के आगे आने से समाज को नई दिशा मिली है और दिशा देने का ऐसा ही कार्य कर रही हैं डीपीएसआर के पुरम के प्रिंसिपल श्यामा चोना। कंप्यूटर का उपयोग बच्चों की शिक्षा के लिए हो, इसके लिए जीत और मेहनत कर रही हैं चोना। हर टीचर ये चाहती है कि वो बच्चों का ऐसा महसूस ना करें कि बच्चे आगे निकल रहे हैं और वो पीछे पिछड़ी रह गई। तो मुझे लगा कि अगर मैं कंप्यूटर लिटरेट नहीं होंगी तो मेरे स्कूल को मैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी। और फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद टीचर्स मेरा उल्लू ना बना रही हों। अब कम से कम मुझे इतना तो मालूम है कि वो क्या कह रही हैं, उनकी भाषा में समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लास 3 से बच्चे कंप्यूटर सीखना शुरू कर देते हैं। शिक्षा को प्रोफेशन बनाने के बावजूद श्यामा अपना घरेलू कार्य भी एक कुशल गृहिणी की तरह करती हैं। स्कूल और घर के कार्यों से मुक्त होने के बाद का खाली समय कंप्यूटर और इंटरनेट पर बिताती हैं चोना। मेरे लिए तो कंप्यूटर पे काम करना एक मेडिटेशन है, क्योंकि फिर मुझे लोग डिस्टर्ब नहीं करते, बड़े आराम से मैं कह देती हूँ कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। और फिर आर्टिकल्स लिखने के लिए, थोड़ा बहुत अप टू डेट करंट इवेंट्स में रहने के लिए, स्पेशली जब मैं लेटली ऑस्ट्रेलिया गई थी और हमारे स्कूल के रिजल्ट्स निकले तो फटाफट मुझे अपना रिजल्ट उसी समय पता लग गया। मिसेस चोना बचपन से ही खुद को सूचनाओं से अवगत रखती आई हैं और आईटी के विस्तार के बाद से तो सूचनाओं में उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। इनके प्रयासों से डीपीएसआर के पुरम का निजी वेबसाइट खुला है और इसके माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति और उसे भेजने में वे काफी रुचि देती हैं। मुझे इंडिया टाइम्स सबसे अच्छी लगती है और फिर ई गुरुकुल, जिस पे हम लोग अपना स्मार्ट स्कूल चला रहे हैं, ऑब्वियसली डे टू डे मुझे उस पे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि सूचना तकनीक ने संपूर्ण विश्व को एक गांव में बदल दिया है, पर मिसेस चोना इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि हमारे देश का बहुत बड़ा क्षेत्र अभी भी कम्युनिकेशन गैप के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि गरीब देशों में कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है, जब लोगों के पास ब्लैक बोर्ड चौक तक नहीं, टेक्स्ट बुक्स नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया में स्कूल्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, तो कंप्यूटर से जो एजुकेशन दी जा सकती है, चाहे साइबर कैफेज़ में हो, चाहे कम्युनिटी हॉल्स में हो, और इन लास्ट स्क्रीन्स, वीडियो स्क्रीन्स वगैरह लगा दिए जाएँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। श्यामा चोना न केवल हमारे देश की महिलाओं के लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जिनसे प्रेरित होकर संपूर्ण विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं।